क्यों जी? मौलवी भी तकरीर करद्या करद्या सिर्फ हजरत हलीमा सादिया के घर तक जाते हैं, उस तो कहते टाइम खत्म हो गया, बाद तो बड़ी तवील है, फिर वापस भी आते ना हुजूर हजरत हलीमा सादिया के घर से फिर वापस भी तशरीफ लाए, फिर हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी फरमाया, फिर रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्के में भी गुजारे। मैंने कहा उस सवारी की तो बात तू करता है जिसमें हलीमा सादिया वाली, उस सवारी की भी बात करना जिस सवारी पर हुजूर बैठकर बदर में गए, उस सवारी की बात कर। क्यों जी? जब आ उठने की भी बात कर, गदबा उठने की भी बात कर, कसवा की भी बात कर, उस घोड़े की भी बात कर जिस घोड़े की गर्दन पर हुजूर ने हाथ फेरा, उस घोड़े की भी बात कर जो सबसे पहले सहाबी सवार होकर आया तो हुजूर ने उस घोड़े की तारीफ फरमाई, उन घोड़ों की भी बात करना जहां हुजूर खुद फरमाते थे दौड़ाओ मेरे सामने ये घोड़े, उन घोड़ों की भी बात करना तू एक होता कि उस इसलिए कि आगे तो फिर कुफर को तकलीफ होगी ना, उस घोड़े की भी गल करना जिस घोड़े उत्ते रसूलुल्लाह सवार सन ते सात दिन मुआज़ दा लगाम पकड़े हुए सी बदर की तरफ गए, उस खच्चर की भी बात करना गज़वा हुनैन के मौके से जब सारे सहाबा का रुख पिछे होया ते रसूलुल्लाह तने तना सफेद खच्चर उत्ते जा रहे सन ते हुजूर खुद नारा लगा रहे सन अनन नबीउल्लाह कज़िब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, फरमाओ सारे आवाज़न वाले सारा कुफर तुम मेरी तलाश में हो ना, मैं वो मोहम्मद अरबी हूं, आओ उस खच्चर की भी बात करना। क्यों जी? उस खच्चर की भी बात करना हुजूर जिस पर सवार थे, मीठा मीठा जितना भी है भाई, जिसके कुफर को तकलीफ ना हो, जिससे कुफर का जिगर जो है वो छलनी हो जाए, कलेजा दो टुकड़े हो जाए, उन्हें गुर्दे ते दिल जवाब दे जाए, हुजूर की वो सीरत बयान कर। आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद, रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तिलसम। इकबाल कहता है इन्हें गल्ला जादूगरी ना कोई थोड़ा होता, अपने आप में बदलो जले हो किस तरफ जा रहे हो, आने वाली नस्लों किवें तुहाड़ियां करनगियां, इन्हें नस्लों अगर बचाना है आने वाली नस्लों वलवला देना है कि असी इस्लाम के पैरोकार हां।